Hello everyone, this is Kafilur Rahman. Welcome back to Campus Wala, your one stop for all your college queries. Friends, Madhya Pradesh State ke andar abhi counseling ongoing hai and currently the first round is in process. The results are expected to be declared on 29th of August. And friends, main aapko ek cheez aur bata dena chahta hu ki jo first round ki choice filling hai, it has already been done. 29 August tak aapko result bhi mil jayega. Second and third round ki jo registration process hai, wo abhi ongoing hai. Agar aapne first round ke andar register nahi kara tha, to ab second third round ke andar freshly aap register kar sakte hain for the NRI seats available in the Madhya Pradesh MBBS colleges. Friends, मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आपने first round के अंदर appear करा है, तो आपको चीज पता होना चाहिए कि as per regulation, अगर आपने first round के अंदर apply करा था, तो आप floating के लिए eligible हैं. अब बात करते हैं कि floating क्या है, floating कैसे हो सकती है. So friends, आपके पास एक choice होती है कि अगर आपको जो college मिला है, जो आपको college allowed हुआ है after the first round, तो आप वो college छोड़ भी सकते हैं और आप ले भी सकते हैं. और अगर आपको कॉलेज छोड़ना है, अगर आपको किसी और कॉलेज की ज़रूरत है, तो आप सेकंड राउंड के अंदर फ्लोटिंग कर सकते हैं. आपको सेकंड राउंड के अंदर हो सकता है कि आपको आपका मन चाहा कॉलेज अलॉट हो जाए. तो दिस इज नोन एज फ्लोटिंग. और आप जो नेक्स्ट राउंड होता है, आप उसे बिना डिस्क्वालीफाई हुए भी आप फ्लोटिंग कर सकते हैं. विच मीन्स अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर पसंद नहीं आया कॉलेज, तो आप सेकेंड राउंड के अंदर फ्लोटिंग कर सकते हैं विदाउट गेटिंग डिस्क्वालीफाइड. आपको दूसरा कॉलेज मिल सकता है. लेकिन अगर हम सेकेंड राउंड की बात करें फ्रेंड्स, तो आप सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड के अंदर फ्लोटिंग नहीं कर सकते. आपको सिर्फ एक ही चांस मिलता है फ्लोटिंग का. तो अगर आप फ्लोटिंग करने का सोचे, सो प्लीज कीप इन माइंड कि आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं. और जो आप फीस पे करते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है, वो आपकी फॉरफीट कर दी जाएगी, वो रिफंडेबल नहीं होगी. आप फ्लोटिंग नहीं कर सकते. सो प्लीज ये जो चीज़ है, आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा अपने फ्लोटिंग करने से पहले. 29 को रिजल्ट अनाउंस होने वाले फर्स्ट राउंड के, तो अगर आप चाहें तो फ्लोटिंग कर सकते हैं. अब बात करते हैं फ्रेंड्स, एक और मैं आपको चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप एमपी के डोमिसाइल नहीं है, तो ये प्लीज आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि मध्य प्रदेश एक क्लोज स्टेट है, जिसका मतलब ये है कि काउंसलिंग जो है फ्रेंड्स, वो सिर्फ मध्य प्रदेश के ही कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी पे दी जाएगी. जो एमपी के डोमिसाइल है, उनको ही प्रायोरिटी पे एडमिशन दिए जाते हैं. लेकिन अगर आप नॉन डोमिसाइल है फ्रेंड्स, तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. लेकिन फ्रेंड्स, ये जो चीज है, ये एनआरआई सीट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है. मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप नॉन डोमिसाइल है फ्रेंड्स, तो आप एज एन एनआरआई कैंडिडेट आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं फॉर दी एडमिशंस मध्य प्रदेश के एमबीबीएस सीट्स के लिए एनआरआई कोटा के थ्रू. इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई हुई है कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको अच्छे पैकेजेस में मिल सकते हैं. वो वीडियो आपको हमारे लिंक पे दिख जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वो वीडियो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप एनआरआई सीट्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप मध्य प्रदेश के नॉन डोमिसाइल हैं तो. सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसके अलावा कोई भी और क्वेरी हो, अगर आपको किसी भी कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी हो कि आपको आप किस कोर्स के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू गिव अस अ कॉल ऑन द हेल्पलाइन नंबर. दियो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हमारे काउंसलर से बात करें. दे विल लेट यू नो ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉलेजेस एंड रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसीजर. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू गिव अस अ कॉल ऑन द हेल्पलाइन नंबर. फ्रेंड्स, अभी सेकेंड और थर्ड राउंड की डेट्स नहीं आई है, शेड्यूल अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ऑन गोइंग प्रोसेस अब सेकेंड थर्ड राउंड की शुरू होने वाली है. फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं. सो बिल्कुल अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो, सो दियो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी अनदर वीडियो.